जो मैंने वीडियो अपलोड किए वो किस कैटेगरी में अपलोड किए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ और आपको ये भी समझाऊंगा कि किस टाइप के वीडियो हम एक चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने जो वीडियो अपलोड किए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पर देख सकते हैं इतने ऑप्शन है, ऑटो एंड व्हीकल, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज, पॉलिटिक्स, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी, पीपल एंड ब्लॉग, पेट्स, एनिमल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, ट्रेवल एंड इवेंट। इतनी कैटेगरी है यूट्यूब पर। जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके मन में दो तीन सवाल होते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी में अपलोड की जाए। मैं टेक की वीडियो डालता हूं, कॉमेडी वीडियो डालता हूं, एजुकेशन वाली वीडियो डालता हूं, ब्लॉगिंग करता हूं, ये सब मैं एक चैनल पर कर सकता हूं या अलग अलग, ये आपके कंफ्यूजन होंगे। और अगर मैं एक चैनल पर अपलोड करता हूं तो क्या मेरा चैनल डिमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगा, मेरे चैनल पर व्यूज आना तो नहीं बंद हो जाएगा, मेरे चैनल पर जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो किस कैटेगरी में अपलोड करूं, ये सारा आपका क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीजें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि एक चैनल पर कितने तरीके की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आ चुका हूं अपनी एक वीडियो पर। यहां पर आपके सामने मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सेटिंग बिफोर एंड आफ्टर, यह वीडियो जो मैंने अपलोड की यूट्यूब की सीक्रेट सेटिंग। और इस वीडियो में अगर आप देखेंगे यहां पर तो मैंने वीडियो अपलोड की है वो किस कैटेगरी में अपलोड की है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं और आपको यह भी समझाऊंगा कि किस टाइप के वीडियो हम एक चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए मैंने जो वीडियो अपलोड की है वीडियो अपलोड की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब यहां पर देख सकते हैं इतने ऑप्शन है, ऑटो एंड व्हीकल, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज, पॉलिटिक्स, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी, पीपल एंड ब्लॉग, पेट्स, एनिमल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, ट्रेवल एंड इवेंट। इतनी कैटेगरी है यूट्यूब पर। अब आपको लगता होगा कि ये सभी कैटेगरी के अलग अलग चैनल होते हैं, राइट? आपको ये लग सकता है और बहुत सारे चैनल होते भी हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप ये सारी कैटेगरी अपने एक चैनल पर अपलोड कर सकते हैं तो आप कहोगे भैया क्या मजाक कर रहे हो, क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो, मेरे को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मजाक क्यों कर रहे हो तो मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपको ब्लॉगिंग वीडियो देखना पसंद है, मैंने अपने चैनल पर टेक की वीडियो डाल रखी है, मैंने अपने चैनल पर म्यूजिक की वीडियो डाल रखी है, मैंने अपने चैनल पर ब्लॉगिंग की वीडियो डाल रखी है। अब जो मैंने ब्लॉगिंग की वीडियो डाली है उस पर मैंने कैटेगरी ब्लॉगिंग सेलेक्ट कर लिया, राइट? जब वीडियो अपलोड करेंगे तब हम ब्लॉगिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आप देखिए यहां पर जब भी वीडियो आप अपलोड करो तो वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी में है। ज्यादातर वीडियो न्यू आप डाल सकते हो एजुकेशन कैटेगरी में, क्योंकि कोई भी चीज सिखा रहे हो तो सिखा ही रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, वो एजुकेशन में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं जैसे मोबाइल से रिलेटेड यूट्यूब से रिलेटेड बातें बताता हूं तो वो मैं टेक्नोलॉजी में डालूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली लोगों को जो जिन लोगों को वीडियो पसंद है उनको हमारी वीडियो जाएगी। आपको पीपल एंड ब्लॉग वाली वीडियो पसंद है तो मेरी जो ब्लॉगिंग की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी वो जाएगी ब्लॉग के वाले लोगों के पास, वो ऐसे वैसे लोगों के पास जाएगी नहीं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगी जिनका इंटरेस्ट उसमें होगा। अगर मैं कोई न्यूज से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, पॉलिटिशियन से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो मेरी उनके पास जाएगी। अब बहुत सारे मेरे भाई की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे मेरे भाई की ये क्वेश्चन होता है कि मैं क्या एक चैनल पर इतने सारे कैटेगरी की वीडियो डालूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। 23 में शायद या 22 में एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको मैं अगर बोलूं दिखाने के लिए तो आपके स्क्रीन पर अभी यहां पर दिख रहा होगा 1,00,000 से ज्यादा इस पर व्यूज है, राइट? 1.5-1.5 लाख के व्यूज हैं और इस पर लोगों ने, आप जाकर कमेंट पढ़ लेना इस वीडियो के, इतने पॉजिटिव कमेंट लोगों ने दिए हैं और लोगों ने कहा है कि सर कंफ्यूजन मेरी दूर कर दी है। मैं वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए 2024 में वीडियो बना रहा हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कभी भी कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। बस आप जब भी वीडियो अपलोड करना तो आप अपने वीडियो का कैटेगरी सेलेक्ट करना, चैनल की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा मैं, वीडियो के कैटेगरी की बात कर रहा हूं। वीडियो की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वीडियो अपलोड करोगे तब आपको वीडियो की कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो आपकी किसी भी टॉपिक पर हो, किसी भी कैटेगरी में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आपका चैनल YouTube मोनेटाइज ही नहीं करता, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में वीडियो डालिए, किसी भी टॉपिक पर वीडियो डालिए, कैटेगरी बस सेलेक्ट कर लेना, आपका चैनल कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जिस भी कैटेगरी की वीडियो आप सेलेक्ट करोगे वो उसी कैटेगरी के लोगों के पास आपकी वीडियो जाएगी जो ज्यादातर कर लोग देखते हैं, राइट? तो मुझे लगता है आपको ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि एक टाइप की वीडियो डालें या ना डालें। आपको यहां पर कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। यहां पर क्या लिखा है, एड योर वीडियो टू कैटेगरी सो व्यूअर कैन फाइंड इट मोर इजिली। यहां पर यह नहीं लिखा है कि एड योर चैनल, यहां पर यह लिखा है कि आप अपने वीडियो की कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके चैनल पर उसी टाइप की वीडियो को दिखाया जाएगा जिस टाइप की वीडियो आपने अपलोड की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।